दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तरी यूरोप में स्थित एक बेहद सुंदर और विकसित देश नीदरलैंड के बारे में। 41,543 वर्ग किलोमीटर में फैला नीदरलैंड दुनिया का 131वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारत के 20 राज्यों से भी छोटा है। इसकी पूर्वी सीमा जर्मनी से और दक्षिणी सीमा बेल्जियम से मिलती है। बाकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा उत्तरी सागर से जुड़ी हुई है। दोस्तों नीदरलैंड को कुल 50 प्रांतों में बांटा गया है, जिनमें कुल 52 जिले हैं। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, जो दुनिया की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1,75,00,000 है। आबादी के लिहाज से अब भारत के 24 राज्यों की आबादी से भी कम है। यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग मात्र 3% है। यहाँ का कॉलिंग कोड +33 है और लोग यहाँ पर दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपने आज तक बहुत तरह के रियलिटी शो देखे होंगे, लेकिन नीदरलैंड में हुए एक रियलिटी शो के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों साल 2007 में एक वृद्ध महिला की किडनी जीतने के लिए यहाँ 25 किडनी पेशेंटों के बीच 12 हफ्तों का एक रियलिटी शो हुआ, जिसे उनमें से ही एक किडनी पेशेंट जेम्स मैथ्यू ने जीता। दोस्तों नीदरलैंड की स्थानीय भाषा डच है, जो यहाँ के लगभग 86% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी 14% लोग जर्मन, फ्रांसीसी और स्विस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा को भी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों पनीर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पनीर से बनी ढेरों रेसिपीज तैर जाती हैं। तो आपको बताता चलूं कि पनीर का आविष्कार डच लोगों द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही नीदरलैंड आज पूरी दुनिया में पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दोस्तों पवन चक्की का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये बड़े बड़े पंखों वाली मशीन हवा से बिजली बनाने का काम करती है। दोस्तों नीदरलैंड अपनी जरूरत की 80% बिजली का उत्पादन विंड एनर्जी से ही करता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लगभग सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें विंड एनर्जी से ही चलती हैं। दोस्तों नीदरलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तल के नीचे होने के कारण इसने अपनी समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनवा रखी है, ताकि समुद्री पानी देश के भीतर ना आ सके। अगर ये दीवारें हटा दी जाएं तो लगभग आधा नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। दोस्तों जहां आज दुनिया के सभी देशों में कार और बाइक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वहीं नीदरलैंड में आज भी ज्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहां पर ज्यादातर लोग अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट, यहां तक कि पार्टीज में भी जाने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड की 60% जनता आज भी साइकिल का इस्तेमाल करती है, जो कि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों लिहाज से ही बेस्ट है। दोस्तों नीदरलैंड की इस बात पर आपका एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों जिस तरह अमेरिका को खोजने का श्रेय कोलंबस, चीन को खोजने का श्रेय मार्को पोलो और भारत को खोजने का श्रेय वास्को डिगामा को है, उसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को खोजने का श्रेय नीदरलैंड के ही एक नागरिक एबेल तस्मान को है, जिसने सन 1642 में अपनी एक समुद्री यात्रा के दौरान पहली बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखा था। यही कारण है कि आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित सागर को तस्मान सागर कहा जाता है। दोस्तों पर्यटन के लिहाज से नीदरलैंड यूरोप के सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। यहाँ हर साल लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों नीदरलैंड का मौसम दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों वैसे तो नीदरलैंड का मौसम ठंडा रहता है, और कहने वाले तो ऐसा भी कहते हैं कि नीदरलैंड में आपको एक ही दिन में 4 मौसम देखने को मिल सकते हैं। सुबह के समय बारिश, दोपहर के समय धूप, शाम के समय सुहानी हवा और रात के समय कड़ाके की ठंड। दोस्तों यहाँ पर लंबे समुद्र तट होने के कारण अक्सर तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। इसी हवा के कारण ये लोग बारिश में छातों की जगह रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर चौराहे पे क्रिसमस ट्री लगाया गया है। यहाँ पर दुनिया के सबसे साफ समुद्री बीचेस भी पाए जाते हैं। नीदरलैंड के ज्यादातर शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें से द हेग जहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, रॉटरडम जो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है।
दोस्तों नीदरलैंड रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही नीदरलैंड ने कैदियों की कमी की वजह से अपनी 8 जेलों को ताला लगा दिया। वैसे नीदरलैंड अपने कैदियों के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करने वाला देश है। यहाँ की जेलें दुनिया की सबसे साफ सुथरी और मानवीय जेलें मानी जाती हैं। यहाँ कैदियों को अच्छा खाना, साफ सुथरे बिस्तर, टीवी और वाईफाई की भी सुविधा दी जाती है। वैसे अगर अपने यहाँ जेलों में इतनी सुविधाएं दे दी जाएं, तो लोग जेलों से बचने के लिए नहीं बल्कि जेल जाने के लिए वकील रखेंगे। दोस्तों नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। यहाँ लड़कों की औसत लंबाई 5 फुट 11 इंच और महिलाओं की औसत लंबाई 5 फुट 8 इंच मानी जाती है। दोस्तों यहाँ के लोग हर साल 80 लीटर तक शराब पी जाते हैं, फिर भी यहाँ के लोग दुनिया के सबसे स्वस्थ और सुंदर लोगों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखते समय ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जिस तरह भारत 1947 तक ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उसी तरह इंडोनेशिया भी 1945 तक नीदरलैंड की एक कॉलोनी था। दोस्तों नीदर कंपनी फिलिप्स ने ही सबसे पहले 1967 में ऑडियो टेप की, 1972 में वीडियो टेप की, 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम का आविष्कार किया। दुनिया की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक कंपनियों में से एक फिलिप्स का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी का भी आविष्कार 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड में ही हुआ। दोस्तों समलैंगिकता को मान्यता देने वाला नीदरलैंड दुनिया का पहला देश है। जहां भारत में अभी कुछ साल पहले ही से मान्यता मिली, वहीं नीदरलैंड ने सन 2001 में ही समलैंगिकता को कानूनन रूप से वैध माना। इसके साथ ही दुनिया का सबसे पहला समलैंगिक विवाह दो पुरुषों के बीच सन 2001 में नीदरलैंड में ही हुआ था। दोस्तों पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट का विस्तार तेजी से हुआ है। जहां आज भी पाकिस्तान की कुल आबादी में मात्र 22% लोग, भारत के 45% लोग और चाइना में मात्र 60% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं नीदरलैंड की कुल आबादी द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर साल 2011 में ही लगभग 92% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आज की डेट में लगभग 100% है। दोस्तों $1 ट्रिलियन वाली नीदरलैंड की इकोनॉमी आज सऊदी अरब, तुर्की और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 78 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 यूरो बराबर 78 भारतीय रुपए। साथ ही साथ एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लगभग 190 साल पहले और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लगभग 272 साल पहले सन 1602 में एम्स्टर्डम में खोला गया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड को वेश्याओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देह व्यापार करना कानूनन रूप से मान्य है। नीदरलैंड में कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, वो देह व्यापार कर सकती है। इतने खुले कानून होने के कारण ही आज नीदरलैंड की लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियां देह व्यापार का काम कर रही हैं। दोस्तों लड़कियों के द्वारा देह व्यापार करने के साथ साथ यहां पर वैश्यालय खोलना भी कानूनन रूप से मान्य है। यही कारण है कि आज पूरे नीदरलैंड में लगभग 6000 से भी ज्यादा वैश्यालय हैं, जिनमें से 1000 तो केवल एम्स्टर्डम में ही है। दोस्तों यहां रेड लाइट एरिया में लड़कियां अपने विंडो में बिना कपड़ों के खड़ी होकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हीं सब कारणों से आज एम्स्टर्डम यौन पर्यटकों के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए एडल्ट म्यूजियम भी बनाए गए हैं, जहाँ तरह तरह के एडल्ट कलाकृतियों से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। दोस्तों हर देश में वेलकम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। कहीं नमस्ते, कहीं सलाम, तो कहीं एक दूसरे के हाथों को चूम कर मेहमानों का वेलकम किया जाता है। लेकिन नीदरलैंड में वेलकम करने का तरीका इनसे 4 कदम आगे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोग एक दूसरे के गालों को 3 बार चूम कर एक दूसरे का वेलकम करते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हाँ, लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों के बीच भौकाल रखिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।